हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप मेंटल मैथ्स के थ्रू अपने बच्चों को बहुत ही एक्टिव, शार्प और फास्ट कैलकुलेशन वाले बना सकते हैं। तो मेंटल मैथ्स की शुरुआत हमें अपने बच्चों की फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही करनी पड़ती है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड क्रॉस कर चुका है तो कोई बात नहीं है, आप उसको सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड से भी मेंटल मैथ्स करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आई हूँ, और जिसके थ्रू अगर आप ये क्वेश्चन कराएंगे तो बच्चे का जो माइंड होता है वो बहुत शार्प हो जाएगा और वो फास्ट कैलकुलेशन करने लगेगा। क्योंकि मैथ्स में हम कभी भी बच्चे को रटवा नहीं सकते, मैथ्स में हमेशा हम अपने बच्चों का बेस मजबूत करते हैं और उनको कुछ जो उनके फैक्ट्स होते हैं, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, वो उनको करवाते हैं। तो देखिए, इसके में कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है राइट टू डिवीज़न फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें दिया हुआ है देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स यहाँ पर, और यहाँ पर इसका दिया हुआ है डिवीज़न फैक्ट्स। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में है 4 × 7 इक्वल टू 28। तो इसको हमें दो दो तरीके से इसको डिवीज़न फैक्ट्स में लिखना है। जैसे 28 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 28 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, और यहाँ पर दूसरा फैक्ट्स हम इसका लिख सकते हैं 28 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू। तो दोनों का आंसर क्या होगा, 28 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7 और 28 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 4। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को हम दो दो टाइप से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टाइप्स भी है और यहाँ पर हमारा उसका डिवीज़न फैक्ट्स भी है। तो बच्चे की दोनों चीज़ क्लियर हो रही है कि कहाँ पर डिवीज़न होता है तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम कैसे डिवीज़न में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको ज़रूर कराने पड़ेंगे, और मेंटल मैथ्स कराने के बहुत ही आगे जाके बेनिफिट्स हैं। इसलिए अपने बच्चों को अभी से मेंटल मैथ्स की डेली प्रैक्टिस कराइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने बच्चों को मैथ में पक्का कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड ओरली एंड फाइंड द क्वोशेंट। यहाँ पर कह रहा है कि इसको ओरली आपको डिवाइड करके बताना है और उसका क्वोशेंट आपको फाइंड करना है। क्वोशेंट यानी उसका आंसर आपको फाइंड करना है। 24 डिवाइड बाई 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 × 3 = 24 होते हैं। तो देखिए ओरली बच्चा बताएगा, 8 × 3 = 24, तो 3 इसका क्वोशेंट आ जाएगा। अगर हम इस तरीके से इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके पूछें बच्चे को कि आप इसका डिवाइड भी निकालिए और इसका दोनों का फिर मल्टीप्लाई भी बताइए, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 8 / 24 और इक्वल टू 24। तो ये भी इसका एक मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इसमें है राइट टू मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या दे रखा है, डिवीज़न फैक्ट्स दे रखा है, उसके बाद हमें दो इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बताने हैं। जिससे जैसा कि अभी हमने ऊपर कर चुके हैं कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दे रखे हैं, इसको हमें डिवीज़न फैक्ट्स में चेंज करना है। और इसी तरीके से अब क्या दे रखा है, अब डिवीज़न फैक्ट्स दे रखे हैं और इसे हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में चेंज करना है। तो इसको हमें कैसा करना है, देखिए 72 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 9, तो हमें इसको कैसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में, 9 × 8 इक्वल टू 72 और 8 × 9 इक्वल टू 72। तो देखिए आप किस तरह से बच्चा दोनों चीज़ एक साथ कवर कर लेगा और दोनों तरीके। देखिए फ्रेंड्स, मेंटल मैथ्स के थ्रू हम अपने बच्चे को किस तरह से इतना स्ट्रांग बना देंगे कि वो कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन इजीली कर जाएगा और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना उसे आ जाएगा। तो आप डेली कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिए अपने तरीके से, तो उन्हें मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस कराइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।